खबर अंबेडकर नगर थाना से। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में अंबेडकर नगर में दो सीटों वाली भाजपा ने जनपद के लोकप्रिय नेता साधु वर्मा को अभी हाल ही में अपने पाले में शामिल करते हुए अध्यक्ष पद का प्रत्याशी बनाया था। सरल सौम्य मिलनसार छवि के जमीनी नेता जो लगातार चौथी बार जिला पंचायत के सदस्य हुए, अपनी धमाकेदार जीत कल दर्ज कराकर जिले में 20 वर्षों बाद भाजपा का परचम लहराया। रमाशंकर सिंह, सुधीर कुमार सिंह, मोनू सिंह ने आदर्श चौधरी के साथ भाजपा का दामन थाम लिया। चुनाव परिणाम में सपा को 10 और भाजपा के साधु वर्मा को 30 मत मिले। 41 सदस्यों वाले इस जिले में एक मत निरस्त हुआ। साधु वर्मा टांडा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम भसरा के निवासी और टांडा के पूर्व सांसद प्रतिनिधि भाजपा के फायर ब्रांड नेता रामसूरत मौर्य के पुराने मित्रों में से हैं। भाजपा की इस ऐतिहासिक जीत पर जहां जिले के नेताओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है, वहीं रामसूरत मौर्य पूर्व प्रदेश मंत्री और भाजपा नेता राधे वर्मा, विधायक प्रतिनिधि श्याम बाबू गुप्ता, विधायक पुत्र शिवम उर्फ संत, पूर्व प्रधान अशोक वर्मा, तेजस्वी जायसवाल आदि नेताओं ने साधु वर्मा की जीत पर खुशी जाहिर करते हुए उन्हें बधाई दी। भाजपा के प्रदेशी नेता रामसूरत मौर्य ने कहा, साधु वर्मा की जीत ने यह तय कर दिया है कि मोदी के नेतृत्व में भाजपा एक अभेद दुर्ग है, जिस पर यदि किसी ने चंचू प्रहार करने का प्रयास किया तो वो अपनी प्रहारक शक्ति स्वयं खो देगा। इस जीत ने यह तय कर दिया है कि 2022 में एक बार फिर जिले में भाजपा का परचम लहराने जा रहा है।